माय डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं बीडी पाल। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जेंडर के बारे में। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि जेंडर पढ़ रहे होते हैं तब भी हम नाउन ही पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्सन प्लेस आर थिंग। हम चर्चा कर रहे हैं कि पर्सन मतलब व्यक्ति की, थिंग वस्तु की और स्थान की। हम जब भी जेंडर पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्सन प्लेस थिंग, या नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। और हम आपको बता चुके थे कि नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड। इसको चाहे आप पांच प्रकार से कहिएगा, चाहे इसको आप दो प्रकार क्लासिफिकेशन कर देंगे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आ जाएगा। पांच प्रकार से बताएंगे तो आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। नंबर भी दो होते हैं, नंबर आपके दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जब सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पढ़ेंगे तब भी आप नाउन ही पढ़ रहे हैं, तब भी आप नाउन ही पढ़, उसमें भी आप पर्सन प्लेस थिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जेंडर की हम बात करते हैं तब भी आपके जेंडर चार प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेंडर शब्द है, जेंडर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जेंडर जो वर्ड है ये कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस। इसका मतलब काइंड भी होता है और सॉर्ट भी होता है। काइंड मीन्स प्रकार होता है, सॉर्ट मीन्स प्रकार होता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कभी कभी बच्चे कह देते हैं सर सब जगह लैटिन ही का क्यों कहा जाता है, तो लैटिन जो होता है वो इंग्लिश की जो उत्पत्ति होती है वो इंग्लैंड से होती है, और इंग्लैंड की जो प्रारंभिक जो बेस भाषा है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। तो ज़्यादातर जो इंग्लिश निकल के आती है वो लैटिन से आती है निकल करके। देखिए, मैंने लिख रखा है कि जो जेंडर होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। देखिए, अगर हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की, तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो बोध कराती है, किसका, ए मेल एनिमल, जो एक पुरुष जाति का बोध कराती है, इज कॉल्ड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। अंडरस्टैंड, इसका मतलब मैंने कहा है जो संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराती है उस संज्ञा को जब जेंडर पढ़ते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें, जब कोई जेंडर स्त्री जाति का बोध कराता है तो उसे फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। जब कोई नाउन पूरे समाज का बोध कराता है, पूरे समूह का बोध कराता है, तो उसे हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। चौथी बात, जब कोई नाउन किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराता है तो उसे हम क्या, किस में रखते हैं, न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। देखिए, हम आप बोर्ड पे देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि जेंडर मीन्स क्या होता है, जेंडर से जेंडर का अर्थ होता है कि ये बताता है मेल है या फीमेल है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नंबर एक, मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष जाति का बोध कराता है, मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, मेल। फेमिनाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, फीमेल। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है, जो आल सभी पूरी जाति का बोध कराता है। न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है, लाइफलेस थिंग्स, ये जीव वस्तुओं का बोध कराता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मैस्कुलाइन जेंडर, देखिए मैंने लिखा है, समझाया इसको आपको, कि मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स जो स्त्री जाति का, पुरुष जाति का बोध कराता है, उसमें क्या लिखा, ए नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो बोध कराती है, ए मेल एनिमल, एक पुरुष जाति का बोध कराती है, इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, उसे मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से अंग्रेजी में पुकारा जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो पुरुष जाति के से बोध कराता है ये, जैसे आपने पढ़ा होगा ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो जो पुल्लिंग है वो मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है ना, और जो स्त्रीलिंग है वो आपका फेमिनाइन। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी, हमने नोट कि जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जीनस, काइंड और सॉर्ट। फिर लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर, तो ए नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो बोध कराती है, किसका, ए फीमेल एनिमल, किसका, ए फीमेल एनिमल। और क्या लिखा हुआ है, इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। फिर लिखा हुआ है नंबर तीन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो पूरे समाज का, पूरे समुदाय का बोध कराती है। कैसे लिखा, ए नाउन एक संज्ञा, दैट डिनोट्स जो बोध कराती है, आइदर ए मेल, या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, इज सेड टू बी ऑफ द
कॉमन जेंडर, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर के नाम से जाना जाता है, उसे कॉमन जेंडर के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अब देखिए इसको हम बताएंगे आपको कहाँ, बोर्ड। देखिए जैसे हमने आपसे कहा कि मैस्कुलाइन जेंडर, तो जब हमने आपसे कहा कि ये मैस्कुलाइन जेंडर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा मैन, क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्स आ जाएगा, आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को? या यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज आ जाएगा। ये सब क्या है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरी बात, अगर हम फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आ जाए कि राधा, ठीक है ना, क्या गया, राधा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब अगर आ जाए कहाँ पर, कॉमन जेंडर, COMMON और GENDER, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द आया क्या, पेरेंट, क्या आया, पेरेंट, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नाम आया टीचर, क्या आया, टीचर, ठीक है, ज़्यादा टीचर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ गया, तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब हम नंबर चार पे आएंगे, नंबर चार हमारा क्या है भैया, न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। अब इसको हम आपको बताएंगे, पहले बोर्ड साफ कर लें फिर बताते हैं। हाँ देखिए, हम आपसे बात कर रहे थे न्यूटर जेंडर के बारे में। देखिए न्यूटर जेंडर में क्या लिखा है, ए नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो बोध कराती है, ए थिंग, एक वस्तु का, और दैट इज नाइदर मेल, जो ना तो क्या है, पुरुष है, और नार फीमेल, और ना वो स्त्री है, या उसे कहेंगे थिंग विदाउट लाइफ, ऐसी वस्तु जिसमें कोई जीवन नहीं होता है। इज सैड, उसे कहा जाता है कि टू बी ऑफ द न्यूटर। देखिए न्यूटर जेंडर मीन्स, एक शादी करता है न्यूटर जेंडर मीन्स, और दैट इज नाइदर मेल और नार फीमेल। इस शॉर्टकट में आप इसको बताएंगे कि न्यूटर जेंडर मीन्स और दैट इज नाइदर, दैट इज नीदर मेल और फीमेल, ना तो ये पुरुष है और ना ये स्त्री है। देखिए दस, इट विल बी सीन, इस प्रकार ये देखा जाएगा कि जेंडर यूजुअली, जेंडर इज इंटायरली द मैटर ऑफ सेक्स और अब्सेंस ऑफ सेक्स। मतलब ये देखा जाएगा कि जो जेंडर शब्द है ये एक मामला है केवल किसका, इसमें सेक्स है या सेक्स नहीं है, और सेक्स मीन्स क्या होता है, मेल और फीमेल। क्योंकि पूरी सृष्टि को जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ पर एक सेक्स शब्द का प्रयोग कैसे होता है, आ रहा है, आ रही है। तो जेंडर इज इंटायरली द मैटर ऑफ सेक्स या अब्सेंस ऑफ सेक्स, ये पूरी तरह से मामला ये है कि ये स्त्री है या पुरुष है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उन सब में देखिए, चाहे गाय बैल है कि नहीं, स्त्री पुरुष है कि नहीं, मतलब हाँ हर जगह पर आप देखिए, हर जगह पर जो है मैटर कहाँ है, सेक्स का है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिर क्या लिखा हुआ, जैसे आप लिखा देखिए, बुक पेन ट्री रूम। अब आपको डाउट हो जाएगा क्या, कि जैसे ये सर ट्री कैसे आप ले आए, ट्री कैसे ले आए, सर ये तो जो है इसमें जीवन होता है, होता है, लेकिन बच्चों को और पेड़ पौधों को सबको और जानवरों को किस में रखा गया है, ये न्यूटर जेंडर में रखा गया है, किस में रखा गया है, न्यूटर। और दूसरी बात, जितने भी जेंडर होते हैं इनको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट माना गया है, मानवीकरण वस्तु माना गया है, क्या, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट माना गया है इनसे। और हमने कल आपको बताया था, एक बड़ा बढ़िया सा पॉइंट बताया था कि कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या व्यक्ति है, स्थान है, जो भी है, तो व्यक्ति को तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन जहाँ पर वस्तु की बात आती है वहाँ पर जेंडर को पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन हमने फिर बताया था आपको कि आप कुछ हमारी पहचान याद रखेंगे, कैसे, अगर वो सुंदरता का, सज्जनता का, कोमलता का, ठीक है ना,
और आकर्षण का प्रतीक है तो वो कौन सा जेंडर होगा? वो फेमिनाइन जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। अगर उसमें भयंकरता का, ठीक है ना, स्ट्रांगेस्ट, ताकत का और विनाशक का प्रतीक है तो उसे किस में रखा गया है? मैस्कुलाइन जेंडर में रखा गया। कल मैंने आपसे बताया था, इस बात बताई थी कि जब आप सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को रखा गया है मैस्कुलाइन जेंडर में, और जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो उसे रखा गया है, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है। किसकी बात करता है? ये शीतलता प्रदान करता है, ठीक है ना। हाँ, ये शीतल हमें बना देता है, ठीक है। अब आगे हम आपको और बताते हैं बोर्ड पे, देख। हाँ, देखिएगा, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि अगर कंपटीशन का बच्चा माइंड में इन्हें रखेगा, स्टोर कर लेगा, तो कभी भी आपके जो जेंडर हैं वो मिस्टेक नहीं होंगे। जैसे देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आपको बताएंगे हिंदी में। नोट्स में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन, लिखा है, वस्तुएं बिना जीवन के प्रायः मानी जाती हैं, दैट इज स्पोकन अप, या उन्हें ऐसे बोला जाता है, जो बिना निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें इस प्रकार बोला जाता है, इफ़ दे वर लिविंग बींग, जैसे वो सजीव प्राणी हो, जैसे वो सजीव प्राणी हो। जैसे मेज बहुत सुंदर है, श्रेया बहुत सुंदर है, दोनों की एक ही भाषा मैच कर रही, देखिए आप गौर से देखिएगा, ठीक है ना। दीदी हमारी बहुत सुंदर हैं, तो सुंदरता को कहाँ जोड़ा गया है? कि लिविंग बींग जोड़ा जा रहा है। फिर क्या लिखा है? वी देन रिगार्ड, हम तब मानते हैं, तब हम क्या मानते हैं कि एज मेल्स आर फीमेल, तब उन्हें हम क्या मान बैठते हैं कि मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। अब हम थोड़ा सा मजाक के लहजे में अगर आ जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि बस आ रही है और ट्रक जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर देखिए, ट्रेन आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पॉइंट क्या लिखा है? मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या हुआ? पुरुष जाति का जो बोध कराता है, प्रायः उसे प्रयोग किया जाता है ऐसी वस्तुओं के रूप में, रिमार्केबल, जिनका उल्लेख होता है किसके लिए? फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, जहाँ पर शक्ति और हिंसा का बोध होता है, शक्ति और हिंसा का बोध होता है, ठीक है ना भैया। जैसे हमने क्या लिखा है? द समर, मतलब सॉरी द सन, सूर्य, सूर्य किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ का और वायलेंस का। समर, समर माने क्या होता है? समर मीन्स गर्मी, समर वैकेशन नहीं पड़ा है, और गर्मी किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ और वायलेंस का। विंटर, जाड़ा किसका प्रतीक है? अच्छे अच्छों को सिकोड़ देता है ना भैया, सबको अंदर दुबका देता है, ये किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ और वायलेंस का। नहीं मानोगे तो समाप्त कर देगा, रात भर सर्दी पड़े रहो। फिर आया टाइम, सॉरी टाइम आया, टाइम माने समय, आपने पढ़ा होगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। ये भी तक देखिए, नहीं कहते हैं टाइम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है या टाइम सबसे पावरफुल है, ये चाहे तो आपको बना दे और चाहे तो आपको बिगाड़। हाँ, फिर क्या लिखा है? डेथ, डेथ क्या है? मृत्यु। ये भी इतनी स्ट्रांग है कि सबको रुला देती है, सबको हिला देती है, सबको डरा देती है, डरने लगते हैं लोग, भैया हम ना जाइए वहाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर क्या लिखा है फेमिनाइन जेंडर में? क्या कहा गया? फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड, कि जो स्त्री जाति का होता है, कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है कैसे? ऐसी वस्तुओं के रूप में, रिमार्केबल, जो उल्लेखनीय होती है, किसके लिए? फॉर ब्यूटी, किसके लिए? सुंदरता के लिए, है कि नहीं। और जेंटिलनेस किसके लिए? सज्जनता के लिए। जैसे आप देखिए, दो भाई बहन होते हैं, ठीक है ना, और भाई को छोड़ दिया जाता है ऐसे, वो दिन भर कहीं घूमे कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेटी अगर बाहर गई है तो पहला क्वेश्चन पेरेंट्स का, और भाई कहाँ गए थे, कहाँ रहे अभी तक, वहाँ से एक घंटे बाद चाहिए, और लड़का चाहे पूरे दिन घूमे, है ना। तो समाज की जो ये मानसिकता है कि लड़की को अनुशासन में रखते हैं और लड़के को
अनुशासन की लगाम जो डिसिप्लिन की वो छोड़ देते हैं। ये समाज के बिगड़ने का पहला क्या है, निशानी है, ये पहली निशानी है ये। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं समाज बेहतर बने तो आप दोनों विंग हैं। अब अच्छा बताइए, जब आपका लड़का बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, लड़की बड़ी हो जाएगी तो आप जाएंगे किसी के यहाँ अपने बहन की शादी के लिए, तो आप क्या कहते हैं, लड़का सुशील हो। सुशील मीन्स सु माने सुंदर, सील माने चरित्र, और जो दिन भर घूमेगा चरित्र बढ़िया होगा, विदाउट पर्पज, बिना किसी लक्ष्य के, और क्या हो, सीधा हो, पुड़िया पान मसाला ना खा दो, इन कोई देखता ही नहीं था लड़का दिन में घूमता कहाँ रहा। इसलिए मैं आप सब जितने लोग इस वीडियो को देखें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी बेटी भी घर से बाहर निकले तो भी आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, और लड़का भी अगर जितनी देर काम करने गया उससे ज़्यादा रहा है तो प्लीज़ आस्क एक क्वेश्चन, आप उसे एक क्वेश्चन पूछें, यदि आप चाहते हैं कि हमें किसे अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। तो मेरी ये उन सारे गार्जियन को एक प्रेयर भी है, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, ये प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि आप अपने दोनों स्तंभ को, लड़का को और लड़की को, एक भी क्षण के लिए अपनी नज़रों से ओझल मत करें, तभी आप एक बेहतर जो है सोसाइटी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि लड़के वाले को बेहतर बहू चाहिए और लड़की वाले को बेहतर क्या दामाद चाहिए, और दोनों एक ही परिवार से आते हैं, ऐसा नहीं कि एक जंगल से आया है। आपने सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमें नहीं ज़्यादा किसी से मतलब है। मैं बता रहा हूँ, इस लाइन से मैं बहुत चिढ़ता हूँ, जो लोग कहते हैं हमें किसी से मतलब नहीं, हम अपने घर तक सीमित हैं। तो भैया, जब समाज से मतलब नहीं है तो क्यों समाज में रहते हो, जंगल चले जाओ ना, सन्यासी बन जाओ। मुझे एक पेरेंट्स मिले, वो मुझसे यही कह रहे थे कि सर मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजता हूँ, घर में कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैंने कहा क्यों, कहने का बाहर का वातावरण ना पड़े तो हम वो क्या घर में ही रखोगे ज़िंदगी भर, पढ़ाई इसलिए रहे हो ना, समाज का, समाज के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स, कि फेमिनाइन जेंडर को कभी कभी माना जाता है कैसे, टू ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु के रूप में जो उल्लेखनीय होती है, किसके लिए, सुंदरता के लिए, सज्जनता के लिए और ग्रेसफुलनेस, आकर्षण के लिए। जैसे हमने क्या लिखा था, मून माने चंद्रमा, मैंने तो बचपन में ये पढ़ा था, चंदा मामा दूर के, तो चंदा को मामा कहा गया, जबकि चंदा शब्द से आप देखिएगा बहुत सारे नाम होते हैं, सब महिलाओं के होते हैं। फिर देखो द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, फिर लिखा स्प्रिंग, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, ऑटम पतझड़ सिस्टम, और नेचर प्रकृति, और क्या लिखा है, लिबर्टी आज़ादी, आज़ादी सुख देती है, आनंद देती है, ठीक है ना। अब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे अपने घर में बैठ करके, तो आपको ये देखना है कि आप पहचान कंपटीशन के आप उठाइएगा, देखिएगा जो पूछा गया है ये कौन सा जेंडर है, आप पहचान पाए नहीं पहचान पाए, अगर नहीं पहचान पाते तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी तक अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ने का एक ऑप्शन होता है, जैसे नहीं होता है कहीं जाना होता है तो किससे जाएं, तो मुझसे जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ लिखा होता है लाल बटन होती है, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा वो रेड होता है, उसको बट टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ठीक है, और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और कंपटीशन लेवल में जो भी जेंडर शब्द आते हैं, जो सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है ना, उसको आप एक बार हम जब बताएंगे कैसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये टॉपिक निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया, और ये आपको ताकत भी देगा, ये सिक्स का बच्चा देखेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा, सेवन्थ का, मतलब ये ट्वेल्थ, और कंपटीशन का बच्चा अगर देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।